Subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं द फैक्ट्री। एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा के अंदर हम खड़े हैं। बात करते हैं उन लोगों से जो आज भी इस जगह से जुड़े हुए हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? सिमरन इंसा। आप कहाँ से हैं? बरनाला। आप कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? 20-22 साल से। 20-22 साल से। तो क्या मैम आप 20-22 सालों में लगातार डेरा सच्चा सौदा में आते रहते हैं? हाँ जी बेशक, मैं पिछले 2 ईयर हो गया है, मेरे मॉम एक्सपायर हो गया। मेरे मॉम को यहाँ अंदर बाहर आए हुए थे, बुलेट लगी जो एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। और मेरा सदगुरु के प्रति इतना दृढ़ विश्वास है कि मैं आज भी, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है ना, बाहर वाले कि तेरे सदगुरु की वजह से तेरे मम्मा चले गए हैं, तेरे को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है मेरे सदगुरु पे है, ठीक है ना, कि मेरे को जहाँ, जब ये यहाँ आती हूँ ना मैं, जिस जगह पे मैं, मॉम ने दम, मेरे मॉम सदगुरु का इतना विश्वास है कि मेरे मॉम को बुलेट लगने के बाद भी ना, मेरे मॉम 25 अगस्त को ये बात हुई है, बुलेट लगी है, 25 नवंबर को मेरे मॉम वापस मेरे पास मेरे घर पे आए। जब मेरे मॉम को बुलेट लगी, मॉम ने नारा लगा के एक बात बोली कि सदगुरु मेरे को एक बार मेरे बच्चों के बीच में पहुंचा देना। लेकिन मेरे पिताजी पे इतना दृढ़ विश्वास है, पिताजी ने इतनी मुश्किल दौर से गुजरे मेरे मम्मा ना, बता नहीं सकती मैं, ठीक है ना। मैं सदगुरु ने इतने दौर, मुश्किल दौर से गुजरने के बाद मेरे मॉम को मेरे भाई के पास, मेरे हमारे परिवार के बीच ला के खड़ा किया। एक टाइम मेरे मम्मा की कंडीशन इतनी स्पॉइल हो गई थी कि उनका 1% के लिए बचना भी मुश्किल था, ठीक है। वेंटिलेटर पे थे मेरे मम्मा, दिल्ली से लुधियाना रेफर किया उनको, लेकिन उनकी इतनी भी कंडीशन नहीं थी कि भी 1% की सांस भी नहीं चल रही थी। लेकिन मेरे सदगुरु के दृढ़ विश्वास की वजह से मेरे मम्मा सभी मुश्किलों को सामना करके घर पे दोबारे आई, ठीक है ना। ये सभी मेरे सदगुरु पे विश्वास ही है कि हाँ, सदगुरु ने इतनी रहमत बख्शी है, ठीक है, अपना रहमत भरा हाथ हमारे सब पे रखा है। लेकिन अब मेरे को ये नहीं होता कि मेरे मॉम यहाँ पे क्यों आए यार, मेरे मॉम सारी उम्र के लिए मेरे से दूर हो गए। मेरे को खुशी होती है कि मेरे मॉम सदगुरु के चरणों में लगे हैं, विराजमान हुए हैं, ठीक है। तो मुझे, मैं मॉम पे प्राउड फील होता है। आज कहीं भी चले जाए ना, सभी हमें इस नाम से जानते हैं कि हाँ, हरदीप, शहीद हरदीप कौर इंसा की फैमिली है, ये इनकी बेटी है, उनका बेटा है, फैमिली है। हम चाहे लाखों करोड़ों की भीड़ में हो ना, हमारे लिए अलग से रास्ता बनता है। मॉम आई यहाँ पे, और मैं मॉम की फ्लाइट थी 25 अगस्त की, मैं यहाँ पे थी, तो मैं मॉम मेरे बिना तो नहीं जा सकते थे, आप भी अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। तो मैं मॉम सिर्फ सतगुरु के लास्ट टाइम दर्शन करने आए थे। तो जब सतगुरु को मंजूरी नहीं है, जो होना होता, होनी होती है, होनी लेके जाती है आदमी को, ठीक है ना, समझ सकते हो ना आप। तो उस टाइम तो जब मेरे मम्मा, सभी मेरे को ऐसा बोलते थे कि आपके मम्मा शहीद हो गए, मर गए हैं, ठीक है, जो भी है, तो आप किस हौसले से इतना दृढ़ विश्वास रख रहे हो अपने सतगुरु पे। मेरे मॉम का दाह संस्कार, फूल वगैरह होते हैं, वो सभी मैंने अपने हाथों से सब कुछ किया, कर्म सब कुछ किया, ठीक है ना। तब भी मेरे अंदर इतना सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास था ना कि हाँ, अगर मेरे मम्मा गए हैं ना, तो मुझे प्राउड है अपने मम्मा पे। जो मेरे मम्मा ने सतगुरु के लिए अपनी कुर्बान कर दी जान, तो मैंने मेरे मम्मा का हौसला बढ़ाना है, मेरे मम्मा का नाम मैंने रोशन करना है, जो मेरे मम्मा का ड्रीम है वो मैंने कंप्लीट करना है, जो रह गया। आप इसी तरीके से फिर डेरा सच्चा सौदा से जुड़े रहेंगे? बिल्कुल, मैंने ITI विंग का, यूथ का प्रसाद सभी कुछ लिया हुआ है। अभी मैं ग्रीन एस वेलफेयर की प्रसाद लेने आई हूँ और ड्रेस लेने। थैंक यू। तो देखिए, आज भी लोगों का विश्वास अपने गुरु के ऊपर, संत गुरमीत राम रहीम जी के ऊपर कितना ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो लगातार 25 सालों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से हम आपको और भी ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे जो आज भी लगातार डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, और उनका जो कहना है वो बिल्कुल उससे अलग है जैसा भी मीडिया में दिखाया गया था। जुड़े रहिए सच का साथ देने के लिए द फैक्ट्री के साथ। धन्यवाद।